खुशहाल हो प्रकृति घर संसार जब हम लाए फूलों की बहार। थीम पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 33वां वार्षिक फ्लावर शो शुरू हो गया है जो 26 दिसंबर तक चलेगा। यहां अलग अलग प्रजातियों के फूल, बोनसाई, फल और सब्जियों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है जो लौह नगरी और आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बहुत ही सुंदर रहता है और सब इंस्पिरेशन मिलता है कि यहां पे फ्लावर सब लगाना चाहिए और वातावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। टाटा स्टील UISL और हॉर्टिकल्चर समिति की ओर से आयोजित इस फ्लावर शो में किसान विभिन्न प्रकार की खेती से जुड़ी जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ करीब 30 नर्सरी के स्टॉल लगाए गए हैं जिससे खाद, बीज, गार्डनिंग प्रोजेक्ट, डेकोरेटिव आइटम की खरीदारी की जा सकती है। UISL कॉर्पोरेट की हेड सुकन्या ने बताया कि 4 दिनों तक यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। 25 तारीख को आपको यहाँ रंगारंग कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाने को मिलेगा और बहुत सारे यहाँ खाने के स्टॉल्स भी हैं और आप फूलों की बिक्री भी कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं, पेड़ ले जा सकते हैं और अपने घरों को सजा सकते हैं। वहीं स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने इस आयोजन की सराहना करते हुए बताया कि वे यहाँ आकर नई तकनीक और नए ट्रेंड से अवगत होती हैं जिससे उनके काम में निखार आता है। कैसे लोग एक पैशन की तरह इस गार्डनिंग को करते हैं, लोग कैसे अपना अपना गार्डन में किस तरह के नए नए पौधे को यू नो उसका प्रदर्शनी करते हैं, डेवलप करते हैं, मेहनत डिस्प्ले, हाँ अपने मेहनत को जो डिस्प्ले करते हैं, ये चीज़ हम लोगों को इस प्रदर्शनी में देखने को मिलता है। इस 4 दिवसीय फ्लावर शो में 14 अष्टकोणीय हैंगर के स्टॉल भी हैं जिसमें मछली पालन एवं खेती की जानकारी दी जा रही है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।